मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज है 3 जून और अभी टाइम हो रहा है आपका 5:10। सो आज हम लोग जाने वाले एक मिनी पिकनिक में, छोटा सा एक पिकनिक है, सो हम लोग उसे मिनी पिकनिक बोलते हैं। सो फिलहाल सब लोग आ चुका है और मुझे अभी बुला रहा है काली मंदिर में। सो मैं अभी धीरे धीरे काली मंदिर जा रहा हूँ, तो चलिए वहाँ जाके आप लोग को सबसे मिलाते हैं। और हम लोग के साथ 5 लोग जाने वाला है, तो चलिए सब लोग से मिलाते हैं। हम लोग का बिग मैन जो यहाँ से दिख रहा है, और यह आज हम लोग का राइड। सो हम लोग इसमें जाने वाले हैं आज, और यह है हम लोग का पप्पू भाई, वो बहुत ही खुश। और हम लोग का हैवी ड्राइवर, सर्वशक्तिमान ड्राइवर, हम लोग का चाचा घुस रास्तर पोरा। यही हम लोग का फाइनेंसर, हम लोग का मुन्ना भैया। सो ये है हम लोग का फिलहाल ताम झाम। सो अभी हम लोग फिलहाल एक गमला भूल चुके हैं, सो चलते हैं और एक गमला ले लेते हैं। सो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। सो जय माँ काली, हम लोग का ये काली मंदिर इस तरफ, और ये हम लोग का पप्पू, और हम लोग का सर्वशक्तिमान ड्राइवर चाचा, और ये हम लोग का मुन्ना भैया। पप्पू अलग दौड़ी दे, अरे किमान गुस्सा रही, दौड़ी दे अलग, दौड़ी दे अलग ना, भागो लगले। तो मैं आप लोग को तो बताना भूल ही गया। सो आज हम लोग जा रहे हैं लगभग श्रीरामपुर बॉर्डर के सामने, आसाम बॉर्डर जो है हम लोग का। तो यहाँ से जो है आप लोग का 250 किलोमीटर से, और लगभग 5 से 6 घंटा लग जाएगा। सो इसलिए हम लोग सुबह का अभी 5:20 हो रहा है, तो चलिए सुहाना रास्ता है, चलते रहेंगे। और हम लोग का सर्वशक्तिमान ड्राइवर तो है ही, वह बंदा आ चुका है हम लोग का दीपक भाई। ब्लॉग बना है कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो ब्लॉग ना बना की बनो बे, तुर बिहार ब्लॉग तो बनाव लगे। फिलहाल जो है अभी हम लोग नलबारी पहुंच चुके हैं, और यहां से लगभग आपका कुछ 150 किलोमीटर है। सो अभी हम लोग का टाइम हो रहा है लगभग 6:35। सो 10:30-11 बजने वाला है लोकेशन तक पहुँचते। तो आप, और ये हम लोग का पप्पू भाई सुसु ब्रेक ले रहा है, तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो फिलहाल जो है हम लोग अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। फिलहाल जो है हम लोग का चाय आ चुका है, और मैं चाय तो नहीं पीता हूँ। सो ये पेपर बोट, और हम लोग का लफड़ा चल रहा है पप्पू के साथ हर किसी का। उसका खाना है जो वो आ चुका है, और मेरा पर्था में हमला हो चुका है पहले ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो चलिए पहले खाना खा लेते, उसके बाद बात करेंगे। तो फिलहाल जो है खाने पीने का प्रोग्राम जो है ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग का लड़ाई चल रहा है आगे वाला सीट में लेके। सो आगे वाला सीट में कौन बैठेगा, पूरे की लड़ाई चल रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी लगभग 7:20, और हम लोग आए थे लगभग 6:45 में। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। सो फिलहाल पप्पू जो है वो हार चुका है, और पहले वाला सीट जो है आगे वाला सीट वो दीपक को मिल चुका है अभी, और दीपक फुल एंजॉय में। बिया बातों मैंने बोला आगो दस ना, बैचलर लाइफ हमें पिछपिन आसू। मजा आया,
शायद ताबड़तोड़ बारिश होने वाला है और वेदर का हालत जो है बहुत ही खराब है। हम लोग का पता नहीं पिकनिक का क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट ना अपो, होप फॉर द बेस्ट। गाड़ी भी जो पे आई, गाड़ी इज भरी जो पे आई ना, टायर प्रेशर इज वेरी हाई, टायर प्रेशर इज वेरी हाई, 56 एंड आई एम आल्सो 156। कौन है ये लोग? फाइनल जो है बारिश आ चुका है और ताबड़तोड़ और ये हम लोग का सर्वशक्तिमान ड्राइवर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चला रहे। देखा बहुत प्रॉब्लम है बारिश में, क्या पिकनिक होगा अभी यही सोच रहे। और 3 घंटा तो लगेगा ही। और आप लोग बारिश देख सकते हैं आगे का जो कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी कम गया है बहुत। तो चलिए अभी धीरे धीरे चलते रहते ये बारिश के अंदर। अभी कहाँ पहुँचा है ये तो हम लोग को पता नहीं, पर फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी में वो हवा से करवा लेते हैं तो फिर चलेंगे रास्ते की तरफ। और यहाँ से लगभग आपका और 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा और यहाँ से कुछ अब लग 130 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ठीक है चलते रहते रास्ते में। और ये ब्लॉग शायद थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग को पूरा। और मैंने एक चीज़ देखा कि आप लोग ना मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत लोग है वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा नया नया चैनल है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने से वो बढ़ेगा आगे और नया वीडियो डालने का भी मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनी पेट्रोल पंप और यहाँ पे किसी किसी को निकालना है और हम लोग का गाड़ी में डालना है। सो गाड़ी में फ्यूल एकदम ही नहीं है, सो गाड़ी का रिफ्यूल थोड़ा कर लेते हैं। और हम लोग का चाचा को हल्का होना है और पप्पू को भी शायद हल्का होना है, तो इन लोग जा रहे हैं तो ठीक है। और आप लोग वेदर देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है, पता नहीं हम लोग क्या करेगा, बारिश ही होगा क्या और शायद पिकनिक चौपत होने वाला है कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। सो ठीक है चलिए चलते हैं रास्ते में। उससे पहले वो फ्यूल ही तो नहीं डाला, तो चले पहले फ्यूल डाल लेते हैं। फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले और यहां से लगभग आपका 25 से 30 किलोमीटर होगा। और सुबह से जो है हम लोग ये 7 नंबर डिस्ट्रिक्ट में है, हम लोग कामरूप से निकले थे, कामरूप से होके कामरूप रूरल उसके बाद फिर हम लोग को मिला नौलबारी, बक्सा, उसके बाद बरपेटा, चिरांग, उसके बाद कोकराझार में है हम लोग, सात नंबर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से राइट साइड लेना पड़ेगा और हम लोग का थोड़ा बाजार भी करना है तभी। तो चलिए बाजार अगर हम लोग करते हैं गाड़ी से मैं उतरता हूँ तो आप लोग को जरूर मैं दिखाऊंगा। सो फिलहाल हम लोग अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे रास्ता जो है बहुत ही खराब है और यहाँ से लगभग गूगल मैप से दिखा रहा है लगभग 35 किलोमीटर, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और सामने बाजार है, थोड़ा बाजार भी करना पड़ेगा। सो ठीक है चलिए चलते। Branded devil, Papu branded devil. अभी जो एक झमेला हो चुका है कि हम लोग को जलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सो लोगों ने तो बोला था कि यहाँ पे कुछ काट वात मिल जाएगा जलाने के लिए, पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल आगे जाके देखते हैं मिलता है कि नहीं है। हम लोग जो है जा ही रहा है रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है, रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है, कब होगा। सो अभी जो हम लोग घर से निकला था 5:20 को पे जब निकला था, आप लोग को तो मैं वीडियो पे फर्स्ट में बताया था और अभी टाइम हो रहा है आपका 12:20। और सबसे मजा की बात क्या है कि अब ये टाइम जो भूटान का दिखा रहा है और मोबाइल में टाइम हो रहा है 12:50। पप्पू एक बार मोबाइल दिखा दो यार, 12:50 जो हो रहा है मोबाइल में, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये घर में हो रहा है, देखिए 12:18 कुछ हो रहा है और ये देखिए मोबाइल में टाइमिंग।
आधा घंटा पहले चल रहा है और नेटवर्क जो है वो लगभग 1.5-2 घंटा से नहीं है। और ये हम लोग का इनबिल्ट गूगल मैप्स जिसको हर एक रास्ता पता है, गली गली चप्पा चप्पा सब पता है। गली गली में शोर है मुन्ना डा हम लोग का। नहीं मिला, नहीं मिला, ये नहीं मिला। चाचा का क्या कोई टेंशन हो गया है? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। से जो है थोड़ा थोड़ा भूटान का पहाड़ी दिख रहा है, कैमरा जस्टिफाई करेगा कि नहीं पता नहीं। वीडियो वीडियो 20-30 मिनट पर हम। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका है हम लोग के गाड़ी में कि ये जो लॉक है ना, ये सेंसर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो ठीक है, वो गुवाहाटी जाके दिखाना पड़ेगा। और ये हिमालय, ठीक है। कौन है ये लोग? फिलहाल हम लोग यहाँ मार्केट में पहुँच चुके हैं और ये अभी हम लोग ये काटपत ले रहे हैं। सो ये लेके खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो इतना अंदर भी ऐसा मार्केट होगा, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, पर ये मार्केट है यहाँ पे। तो चलिए काट तो ले लिए, अभी सीधा जाएंगे पिकनिक स्पॉट में। सो फाइनली 7 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। 7.5 घंटा हम लोग का सर्वशक्तिमान ड्राइवर भी अभी थक चुका है। और ये है, और सामने जो आप लोग को पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? तो वो पहाड़ है भूटान का। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोकराझार, एक सरलपारा, उस तरफ है भूटान। और ये नदी का पानी बहुत साफ हुआ करता था, पर ये अभी बारिश के लिए ये पानी थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा हो गया है। लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है, पर हम लोग का बारिश जो है पूरा किरकिरा कर दिया है। सो पता नहीं बारिश कितना देर क्या होगा। फ्रेंड्स, पहले जो है ना, हम लोग उस जगह पे लिए थे अपना जगह, और अभी वो जगह थोड़ा ठीक नहीं था अभी, इसलिए ये जगह लिए। और हम लोग यहाँ पे आपका रेंट मिल गया, ये छती और छतरी और आपका चेयर और सब काटवात के सब रेडी हो चुका है। आग भी लग चुका है, अभी सिर्फ बनाना है और खाना है। तो चलिए बनाने के प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम लोग का खाना है, खाना तो पकने लगा है अभी, और मुन्ना दा शेफ, और धूप भी थोड़ा थोड़ा निकल चुका है, तो ठीक ही है। तो अभी सब ठीक से हो जाने से है, तो अभी खाना वाना बना लेते पहले। सो फिलहाल जो है मेरे को कुकिंग संभालने का दायित्व दिया गया है, और ये थोड़ा प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेता हूँ, उसके बाद तो चिकन देना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हम लोग का मेन डिश जो चिकन है वो हो चुका है, और अभी चावल जो बन रहा है, उसके बाद हम लोग खा पी के यहाँ से निकलेंगे। सो बहुत टाइम लग गया आग जलाने में, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। और ये पप्पू भाई चिकन चोरी कर रहे हैं, और ये मुँह छुपा के भाग रहे पप्पू भाई। फिलहाल जो हमारा हम लोग का आग है ना, वो बार बार बुझ रहा है, सो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आग अभी जल चुका है, तो ये अभी सिर्फ भात बनना बाकी है। तो चावल जब बन जाएगा तो हम लोग खा पी के यहाँ से निकल सकते हैं। सो हम लोग का निकलने का प्लान कुछ 3 बजे था, अभी लगभग आप लोग का टाइम देख ही सकते हैं, 3:49 हो रहा है। और यहाँ से हम लोग को 7 घंटा लगता है घर जाने के लिए। सो पता नहीं कब घर जाएंगे, क्या करेंगे। सो अभी आग जलाने का कोशिश हो रहा है। हम लोग का चावल जो है वो थोड़ा होने में टाइम लग रहा है, अभी फिलहाल आग जल चुका है। और ये हम लोग मुन्ना दा फायरमैन, और ये हम लोग का चाचा जो अभी नहाने के लिए पूरा रेडी है। अभी चाचा यहाँ पे डुबकी लगाने वाला है, आप लोग देख ही सकते पानी का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, पर चाचा को पता नहीं नहाने का बहुत जोश चल रहा है। चाचा डुबकी लगा दो, डुबकी लगा दो,
बहुत बहुत गर्मी है ना, तो फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, डायरेक्ट डुबकी लगा दो। और ये जो लड़का है ना, ये 29 साल का है और ये शादी कर चुका है और अपना वाइफ को घर छोड़ के आया है और ये कुछ बोलने वाला है। दोनों शादीशुदा, और ये भी शादीशुदा और वो भी शादीशुदा, और इन लोग बीवी फौज में पति फौज में, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इन लोग ने स्लोगन ही उल्टा कर दिया और पप्पू का डांस, और वो सोच रहे भाभी को जाके कुछ बोलेगा। और ये 29 साल का लड़का जो ये भी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये बहुत बड़ा हो चुका है, नेक्स्ट साल ये बाप बनने वाला है। शायद ये हम लोग का चावल हो जाना चाहिए लगभग 5 मिनट में, अगर आग जल रहा तो इतना टाइम कभी नहीं लगता, हम लोग का 3 बजे तक हो जाता। अभी लगभग आपका बज रहा है 4-5। फिलहाल हम लोग का दोस्त और भैया जो लोग है वो लोग नहा रहे हैं और मेरे को भी बोल रहे हैं नहाने के लिए, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं ये पानी बहुत ही फास्ट है। और फिलहाल आप लोग दोस्तों का हालत देख सकते हैं, ये दीपक है और दीपक का हालत देखिए, और ये पप्पू, ओए मेरे को मत भिगाओ यार। फिलहाल जो है हम लोग पानी में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ना स्पीकर में मेरा पानी घुस जाता है, इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड होने में प्रॉब्लम होता है, तो अगर अब साउंड में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग थोड़ा सेक्रीफाइस कर लीजिएगा। और ये हम लोग अच्छा अच्छा पप्पू का कोई नहीं ले सकता। फिलहाल पानी का फ्लो है जो बहुत ही ज्यादा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हम लोग मुन्ना डार पप्पू भाई, इन लोग का एंजॉय देखिए ना। वाह क्या सीन है पप्पू, पप्पू लाहे लाहे ब्रो, लाहे ब्रो। वो फ्रेंड्स पानी जो पूरा भीग चुका हूँ, अभी थोड़ा नहा लेता हूँ और उसके बाद अभी तो ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड चटल हो गया। और ये देखिए इन लोग का हालत, तो फ्रेंड्स थोड़ा नहा लेता हूँ, उसके बाद मिलता आप लोगों को। खाना भी नहीं हुआ है और चावल भी हो रहा है अभी, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ा बाद में। वो हम लोग जो अपना नहा धो के सेट हो चुके और ये हम लोग का पप्पू भाई तो नहा के आगे जा रहे हैं, तो अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए, अभी थोड़ा खाना खा लेते उसके बाद यहाँ पर ट्रेन से निकल रहे हैं। हम लोग का ड्यूरेशन जो है वो हम लोग का 3 बजे निकलने का था और फिलहाल जो है अभी लगभग 5 बजने वाला है, 4:40 हो रहा है। और यहाँ पर छोटा सा एक ब्रिज है, मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। और ये है वो छोटा सा ब्रिज, पप्पू भाई मैं आगे जाऊँ ना, दो मैं ये ब्रिज पार कर रहा हूँ और पप्पू भाई जो है मुझे सेफ्टी दे रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पप्पू भाई तो पीछे पीछे आ रहा था। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग का खाना जो है बन चुका है लगभग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ हम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।